अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहली डिजीज़ जिस पे हम लेक्चर कर रहे थे जिंसी कमज़ोरी, वो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम नई बीमारी पे लेक्चर करते हैं जिसे हम स्तन की डिसफोली, ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट लैम्प कहते हैं। ख़वातीन की छाती में अमूमन रसौलियाँ हो जाती हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट लैम्प कहते हैं। इसके वजूहात क्या क्या हैं, किन वजूहात की वजह से ये ट्यूमर प्रस्तान में बनता है, इसकी पहली वजह है हैज का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, यानी जब औरत मेनोपॉज में आती है तो उस वक्त अक्सर औरतों में ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाते हैं। और नंबर दो, अगर हम होम्योपैथी नुक्ता नज़र से देखें तो इन रसौलियों के पीछे जो वजह बनती है वो सुजाक की जहर होता है। सुजाक की वजह से कहीं भी ट्यूमर बन सकता है और ये नज़रिया 100% दुरुस्त तस्लीम किया गया है। नंबर तीन, हमारे इलाके में ये बीमारी बहुत आम है। कुछ बीमारियां इलाकाई तौर पर यानी कि उनके रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी पर मुनसर होती हैं, तो इसलिए हमारा जो इलाका है इसमें ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है। नंबर चार, इन रसौलियों में से 100 में से 12 खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें ये रसौलियाँ कैंसर की शक्ल अख्तियार करती हैं, यानी कि वो कैंसरस होती है, वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ख़तरनाक किस्म की रसौलियाँ होती हैं जिनकी बढ़ोतरी बहुत जल्दी होती है। नंबर पाँच पे, पस्तानों में दो किस्म की रसौलियाँ होती हैं, एक सादा रसौली और एक कैंसर वाली रसौली, या एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरी बल्कि मलिग्नेंट ट्यूमर, और इनकी शनाख्त भी बायोप्सी करने के बाद होती है। लेकिन दोस्तों अगर होम्योपैथी नुक्ता नज़र के मुताबिक देखा जाए तो अलामात, साइन और सिम्टम ये आपको वादे कर देती हैं कि ये ट्यूमर बनाइन है या ये मलिग्नेंट है, सादा रसौली है या ये कैंसर वाली रसौली है। ठीक है कि बायोप्सी करने से ये हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कार्सिनोमा है, कैंसर वाली रसौली है, लेकिन दोस्तों जब उसमें कोई चीज़ इंजेक्ट करके और पीस लिया जाता है तो कैंसर का हिसाब एक सोए हुए शेर की तरह है जिसे हम छड़ी मार के जगा देते हैं। दोस्तों जब पीस लिया जाता है तो वो कैंसर जो एक जगह पर जमा हुआ था, महफूज था, वो फैल के फट के तमाम खून में शामिल हो जाता है और तमाम जिस्म में उसके जरासीम मिल जाते हैं, और यानी कि वो एक जगह पे बंद नहीं रहता, वो खुला शेर हो जाता है। और एक जगह पे अगर कैंसर हो तो उसका इलाज आसान है, लेकिन अगर पूरा बदन उसकी लपेट में आ जाए तो उसका इलाज मुश्किल होता है। वो कौन कौन से साइन सिम्टम हैं जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये कैंसरस रसौली है या ये सादा रसौली है? दोस्तों अगर छाती में दर्द ना हो, पस्तान की रंगत में तब्दीली ना आई हो,
इसके साथ साथ बगल में गिल्टी ना हो, इस जगह अगर गिल्टियां ना हो, सिर्फ पस्तान में गिल्टी हो और इनमें दर्द ना हो, तो ये आमतौर पर सादा रसौली होती है। और अगर उसमें तेज दर्द हो, उसकी रंगत नीली या जामनी रंग की हो जाए, बगल में गिल्टी हो और कैंसर की रसौली बहुत तेजी के साथ फैलती है, अगर ये साइन एंड सिम्टम हो तो हम समझ सकते हैं कि ये एक कैंसरस रसौली है और हमें बगैर टेस्ट के भी पता चल जाता है कि ये सादा रसौली है या ये कैंसरस रसौली है। तो दोस्तों, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बायोप्सी कराने से पहले ही अगर साइन सिम्टम से पता चल जाए तो उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। और अमूमन जो कि आपको पहले बताया कि ये अमूमन उस दौर पे होती है जब औरतों के मेंस बंद हो जाते हैं, जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये आमतौर पर 40 साल के बाद, किसी का 40वें, 45वें, 46वें, 47, 48 यहाँ तक जाके मेनोपॉज शुरू हो जाता है और उसके बाद ट्यूमर की, लंग्स की, ब्रेस्ट लंग्स की का होना ये पाया जाता है। लेकिन आमतौर पर यानी कि बाज हालतों में ये छोटी उम्र में भी आया जाता है, लेकिन अक्सर ये 40 साल की उम्र के बाद होता है। दोस्तों, ये थी मेडिकल के हिसाब से ब्रेस्ट ट्यूमर होना, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है, खवातीन को देखा है जिनमें ब्रेस्ट ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ टेंशन, हत्के इज्जत, सदमा, उसकी वजह से भी हो जाता है। और ये सिर्फ बातें नहीं, मैंने इन अलामात के हिसाब से उन औरतों का इलाज भी किया है। मेरे पास एक औरत आई, उसने मुझे लेबोरेटरी फाइंडिंग दी एक अच्छे अस्पताल की और कैंसर की पॉजिटिव थी रिपोर्ट। मैंने जब ब्रेस्ट देखी तो उसकी रंगत में तब्दीली नहीं थी, पेन नहीं थी, बगल में गिल्टी नहीं थी और वो 2 साल पुरानी थी। मैंने कहा यह रिपोर्ट गलत है, आप सिर्फ 1.5 माह इलाज करवाएं और आप ठीक हो जाएंगे। और तकरीबन 1.5 या 2 माह में वो गिल्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, ठीक है, एलोपैथी मेडिकल साइंस की अपनी रिसर्च है, लेकिन इसके अलावा हम जो साइंस सिम्टम के मुताबिक देखते हैं होम्योपैथी नुक्ता नज़र के मुताबिक, तो इसकी तीसरी और आखिरी वजूहात में से एक वजह टेंशन का होना, सदमे का होना, हत्के इज्जत इसका होना भी पाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ने के बाद